टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखने वाली कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। वहीं इस्तीफा देने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिना देरी के शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार रात राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी में गुंडों को तवज्जो मिलने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार सुबह अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस प्रवक्ता हटा दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी प्रोफाइल में राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस जोड़ रखा था। बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने 17 अप्रैल को ट्वीट कर पार्टी से नाराजगी व्यक्त की थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, जो लोग मेहनत कर अपनी जगह बना रहे हैं उनके बदले ऐसे लोगों को तवज्जो मिल रही है। पार्टी के लिए मैंने गालियां और पत्थर खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी में रहने वाले नेताओं ने ही मुझे धमकियां दी। जो लोग धमकियां दे रहे हैं वे बच गए हैं। इनका बिना किसी कड़ी कार्रवाई के बच जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी की बात जाहिर की थी। बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस विवाद का जिक्र किया वो विवाद सितंबर 2018 का है। यूपी के मथुरा में जब प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की तरफ से राफेल विमान सौदे पर प्रेस वार्ता कर रही थी, तब कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के बाद उन सभी को बहाल कर दिया गया था। आइए आपको प्रियंका चतुर्वेदी का राजनीतिक करियर बताते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2010 में हुई। 2010 में प्रियंका ने कांग्रेस ज्वाइन की। उत्तर पश्चिम मुंबई के भारतीय युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी पदभार संभाला। प्रियंका सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रही। कांग्रेस ने 2013 में प्रियंका को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। प्रियंका टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखती रही। प्रियंका कांग्रेस में संचार विभाग की सदस्य भी रही है। प्रियंका 2016 में टॉप 10 भारतीय महिला राजनेताओं की लिस्ट में भी शुमार थी। देखा जाए तो प्रियंका का कांग्रेस छोड़ना पार्टी को बड़ा झटका दे चुका है, क्योंकि चुनाव माहौल के बीच किसी ऐसे प्रवक्ता का पार्टी छोड़ना, जब वो लंबे समय से पार्टी से जुड़ा रही और हमेशा खुलकर पार्टी का पक्ष रखती रही, और अचानक उनका इस्तीफा देना पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस को मिले इस झटके के बाद कांग्रेस कैसे उभर पाती है। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।